Hi guys, Assalamualaikum. My name is Rana Mohammad Ashraf. मैं एज ए टेनिस टीचर और स्पोर्ट्स टीचर हूँ. मैं बी जेड यू में डिफरेंट डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ. तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में. चाइनीज़ लैंग्वेज पाकिस्तान में अगला दौर चाइना का है. चाइना आपको पता है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है. अपनी ज़ुबान को वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है. आप लोगों को चाइनीज़ सीखनी चाहिए. चाइनीज़ ज़ुबान सीखकर आप अपना रोज़गार सही तरह से कमा सकते हैं, जिसमें आप एज ए ट्रांसलेटर लग सकते हैं, चाइनीज़ टीचर लग सकते हैं. तो बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप किसी शॉप, अच्छी शॉप पे जैसे चाइनीज़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं. मैं आपसे कहता हूँ कि आप चाइनीज़ सीखें. चाइनीज़ के डिफरेंट लेवल है. चाइना ने अपनी लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया है. उसका जैसे मैंने बीजिंग स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से चाइनीज़ लैंग्वेज का 1 ईयर का कोर्स किया, जिसमें मैंने HSK 4 लेवल किया. तो अब मैं HSK 5 लेवल की तरफ जारी सारी हूँ. इंशाल्लाह वो कर लूँगा मैं बहुत जल्द. तो आपसे सब लोगों को इस चैनल पे आने का जरा मेरा मकसद यही था कि आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें. कोई भी लैंग्वेज हो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट देती है. स्पेशली मैं चाइनीज़ लैंग्वेज को फोकस कर रहा हूँ. आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि चाइनीज़ ज़ुबान सीखें. इसकी वजह ये है कि हमारा CPAC जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा. जिनकी चाइनीज़ अच्छी होगी उनको वहाँ पर एडजस्ट करेंगे एज ए ट्रांसलेटर, एज ए वर्कर. तो इसके लिए आपको, मेरे ख्याल में आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए. आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें. मेरा नंबर है 0303-7841-068, 0303-7841-068. तो मैं दूसरा आपको बताता हूँ कि चाइना में आप चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं. 1 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर की भी है. बैचलर, जैसे FA के बाद लोग बैचलर करते हैं किसी सब्जेक्ट में, इस तरह चाइना में भी बैचलर लैंग्वेज में कराया जाता है. तो 1 ईयर का भी लैंग्वेज का कोर्स है, जिसमें आप 1 साल वहाँ जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे. वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा आपको. स्कॉलरशिप में आपको रैश मिलेगी, रेजिडेंसी फ्री होगी, आपको महाना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 2500. अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उनमें 3000 दिया जाएगा. अगर 3500 दिया जाएगा अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं चाइनीज़ युआन, तो पाकिस्तानी काफ़ी अमाउंट बनती है. तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब चाइनीज़ लैंग्वेज पे फोकस करें. फ्यूचर चाइना का है. आप देख रहे हैं चाइना कितना तेज़ी से तरक्की कर रहा है. तो चाइना में पीकिंग यूनिवर्सिटी है, चाइनीज़ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, शंघाई यूनिवर्सिटी है, वुहान यूनिवर्सिटी है. काफ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में जो कोर्स कराया जा रहा है और चाइनीज़ लैंग्वेज की ऑफ़र दी गई है फॉरनर के लिए. तो हम लोग जितने भी दोस्त हैं, मेरे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें. इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा. अगर कोई भी, किसी को भी अगर वो लैंग्वेज को सीख जाता है तो उसका फ्यूचर बन जाएगा. तो इसके बारे में मैंने आपको मज़ीद जो डिटेल बताना चाह रहा हूँ. डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, उसमें मैट्रिक, इंटर आपको चाहिए. अगर आप FSC FA के बाद जाना चाह रहे हैं तो मैट्रिक और इंटर की डिग्री हैं. आप किसी बोर्ड जहाँ से आपने की उनसे वेरीफाई कराएं. उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए. आपके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए. किसी भी गजटेड पोस्ट पर डॉक्टर से टेस्टेड कराएँ. तो 2 रिकमेंडेशन लेटर लें यूनिवर्सिटी से. और ये सारी चीज़ें आप पूरी करें. उसके बाद आप अप्लाई करें चाइना में. चाइना वे बड़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप हैं आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट और चाइनीज़ लैंग्वेज की. तो आप मेरा यूट्यूब पे दोबारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने का मकसद है कि अगर मुझे किस चीज़ का इलम है तो मैं लोगों को शेयर करना चाहिए. अच्छी बात है, कोई फ़ायदा उठा लेगा. अगर किसी ने ये मेरी वीडियो देखेगा तो वो अपने फैमिली, अपने दोस्तों को भी बता सकता है कि चाइना में इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरनर के लिए और लैंग्वेज के हवाले से भी. तो इसके लिए आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें और चाइनीज़ ज़ुबान भी सीखें. अगर चाइनीज़ किसी ने सीखनी है तो ये मेरा नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, मुझसे रब्ता करें. मैं एज ए चाइनीज़ टीचर हूँ तो मेरा 6 नंबर पर भी दफ्तर है. चाइनीज़ लैंग्वेज की क्लासें होती हैं वहाँ पर, तो जिक्रिया टाउन में भी. तो मेरा चैनल पर काम कर रहा हूँ. स्पोर्ट्स और चैनीज़ 2 ही मेरे शौक़ हैं, इन पर काम कर रहा हूँ. आप लोग भी आएँ, हमारी टीम का हिस्सा बने, सीखें, लोगों को सिखाएँ. शुक्रिया.